नमस्ते दोस्तों, उषा आकाशा चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज का जो वीडियो है, साधना जी की सहेली है हुमा सलीमी, दोस्तों 7,755 रुपए दी हैं। तो दोस्तों बच्चों लोग के मदद करने के लिए और सामान मैं लाई हूँ, और सामान बच्चों लोग के पास चलूँगी तो लूँगी। तो आप लोग वीडियो हमारा लास्ट तक लगते रहिएगा, और किस किस परिवार के लगे दोस्तों मैं जाऊँगी, आप लोग लगते रहिएगा। हम आ गए हैं दोस्तों डेरा पे। नहीं पास दोस्तों आए हैं, इनका क्या नाम बेटा? राजा बाबू। राजा बाबू इनका नाम है दोस्तों। कहीं पढ़ा था बेटा? नौ में। डेली पढ़ा जाता है? और ड्रेस व्रेस बा आपके पास? नहीं का बा कहना है? ड्रेस नहीं बा। और कापी किताब सब ले है? बस किताब बा। किताब बा हमारा कापी ना ले है? किताब खरीदे रहे कि उसे मांगे हुए रहे हैं? तो हाँ पापा क्या कर रहे थे? तो दोस्तों इन्हीं के पास हम आए हैं, और स्कूल में दोस्तों मैंने पता भी लगाया हुआ था कि कौन बच्चा है जो वहाँ पे ज़रूरतमंद है, जिसके पास ड्रेस नहीं है, कापी किताब नहीं है। तो सर जी बताएं कि लड़का बहुत होशियार है, इनके डेरा दोस्तों कोई भी वहाँ पर पढ़ना नहीं जाता, और बस यही लड़का है जो अपने मन से रोज डेली पढ़ने जाता है, और सर जी फीस भी इनका नहीं लेते। चलिए इनके लिए क्या क्या लाई हूँ आप लोग दिखा देती हूँ। तो ये बैग लाई हूँ दोस्तों, और बैग में आप लोग देख लीजिए क्या क्या मैं लाई हूँ। बहुत ही अच्छा वाला दोस्तों, बड़ा लड़का है तो अच्छा वाला बैग भी मैंने लिया हुआ है। तो पहले तो मैं ये ड्रेस लाई हूँ दोस्तों, इनके दे रही हूँ, पहन कर आएंगे अंदर से, उसके बाद आप लोग दिखाते हैं। लो बेटा पैर क्या है, सर जी बताए हैं लंबाई चौड़ाई। तो यही मैं कापी लाई हूँ दोस्तों इनके लिए, रफ और फेयर दोनों। दोस्तों गांव में ये होता है ना, जैसे कक्षा 9 में है तो कक्षा 9 वाले जो बच्चे होते हैं वही अदल बदल के लेते हैं, तो उसी ने कम दाम में इन्होंने ख़रीदा हुआ है। और पेंसिल यही सब लिया हुआ है, ये हमने कलम लिया हुआ है। ऐसे दोस्तों कई बच्चे के पास चलेंगे तो आप लोग लगते रहिएगा। जो बच्चा दोस्तों पढ़ना चाहता है, उसके पास जरूरत की पढ़ने लिखने का सामान नहीं है, वही उसी बच्चे के पास हम चलेंगे। हो तो आप भैया पढ़िया तू कहा जाना है जा तू पढ़ जा तू कहा पढ़ा जा दोस्तों एक दिन पढ़ने जाएंगे तो काम कौन करेगा? देखिए मम्मी के पास दोस्तों कई भाई भाई बहन है तो सब तीन बजे दोस्तों छोटे छोटे हैं, उन्हें को संभालती है, और मम्मी पापा काम करने जाते हैं। तो इसीलिए दोस्तों गांव में जो ऐसे लोग हैं पढ़ नहीं पाते, लड़कियां लोग काम करने में बिजी हो जाती हैं। अरे देखिए पहन कर आ गए, बहुत अच्छा दोस्तों हुआ है इनको, अच्छा हुआ है ना, हल्का हल्का दोस्तों बड़ा भी है, उस साल भी चलेगा ड्रेस को, क्योंकि वहाँ से आते हैं सब लोग बच्चे उतार देते हैं। तो पसंद है ना सब कुछ? थैंक यू बोल दो, जो आपके देवा है धन्यवाद बोल दें। थैंक यू। तो किताब आपके पास पूरा बा है कि काजू तो कम बेची बा? कम बा। कौन कौन बेचन आएगा? तो ठीक बा, ओके हम ले लिए थे। दाम दोनों पता करें कितने कितने का आवा था? 5 खून के मतलब एलर्जिक बढ़ा। तो यही सब दोस्तों लिए हुए हैं, तो सामाजिक विज्ञान और विज्ञान दोस्तों यही गड़बड़ ले लिए हैं, अच्छा नहीं है, और दूसरा प्रकाशन इनको चाहिए था, तो यही हम बदल के इनको दे देंगे जो हम वहाँ से लाते हैं। कोनो पन्नी वन्नी हो तो क्या अलग से भर दें जो फटे वटे? तो मन लगा के अच्छे से पढ़ा ठीक ना? तो फोन कर दो लड़का तो चलो बदलवा दे ना, इतना खाली रहे बाजार जाने का। तो दोस्तों हम चले दूसरे बच्चों के पास, इनका काम दोस्तों पूरा हम करने कर दिया है। पापी नहीं दे आ गए दोस्तों दूसरे घर, और दो चार लड़के दोस्तों देख लेंगे लंबाई चौड़ाई, अभी ड्रेस मंगाना है, बगल में ही ड्रेस बिकता है वहाँ से मंगा लेंगे। नमस्ते दीदी, और लड़के नाम हम लिखाए? बस ये दो लड़के घर के नाम लिखाए हैं, दो लड़के लड़के के अब इतना ज्यादा ज्यादा काफी किताब काफी पी लड़कियन कहते पढ़े रहे अब 8 तक हुए उसके लिए नाम
अब आओ तुम पूछ ले कहा तब पढ़ा तो कहा नहीं नहीं पढ़ा। मगर नीक परिवार के लिए हम आए हैं और दोस्तों उनके पति नहीं है और चार बच्चे हैं तो बहुत ही परेशानी। दोस्तों अपने बच्चे लोग पढ़ाते हैं सरकारी बच्चे लोग लड़कियाँ लोग पढ़ रही थी और इसमें आठ पढ़ के छोड़ दी हैं और नाम नहीं लिखाई हैं बच्चे लोग को लिखाई हैं बच्चे लोग छोड़ रहे हैं लड़के लोग। तो इनके दोस्तों जीफा मिला हुआ तो बड़े बड़े बच्चे को सब कुछ ली है और बस्ता नहीं हो बस्ता दे देंगे बैग और छोटे बड़े बच्चे को मंगाए हुए हैं घर से और सब कुछ देंगे। अब चलिए दूसरे बच्चे के पास चलते हैं। तीन बच्चे के दोस्तों हमने सामान मंगा लिया है सर यहीं पर रखते हैं। तो ये दीदी के पास आए दोस्तों इनके पास दो लड़के हैं और इनके पापा दोस्तों जब छोटे छोटे थे तभी से नहीं हैं और बनी मजूरी करके अपने बच्चे के दोस्तों पढ़ाती हैं। तो इन लोगों के लिए दोस्तों मैं कापी किताब और कापी और ड्रेस यही सब लाई हूँ। चलिए दिखाते हैं आप लोगों को क्या क्या है। तो इन दोस्तों नौ में पढ़ते हैं और तो कम पढ़ती है बेटा चार तो ये चार में पढ़ती हैं। तो पहले ड्रेस दे देते हैं दोनों लोग पहन लेंगे उसके बाद हम आप लोगों को दिखा देंगे क्या क्या हमें लाया हुआ बेटा दोनों। तो काफ़ी दोस्तों मैं इस पर लिया हूँ आप लोग दिखा रहा हूँ। तो छोटे बच्चे हैं दोस्तों उन लोगों को भी लिया हैं जैसे इंग्लिश वाला होता है और गणित का होता है वो सब भी है। तो ड्रेस दोस्तों दोनों बच्चे पहन लिए हैं देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा है ड्रेस में दोस्तों बच्चे लोग रहता है तो अच्छे सुबह सुबह तैयार होकर जाते हैं नहीं तो एक बार सोचना पड़ता है कौन सा कपड़ा पहन कर जाएं। और ये देखिए यही कापी पेंसिल और बस्ता यही सब लाई हुई मैं जो बच्चा दोस्तों कक्षा नौ पढ़ता है दूसरे से किताब जो है पूरा मांग कर रखी हुआ है। तो बेटा अपने बारे में थोड़ा सा बता दें कैसे कैसे पढ़ते हैं कैसे हम नौ पढ़ते हैं हमारे पिताजी नए ख़त्म हो गए हैं हमारी मम बहुत मेहनत से पढ़ाती है हम बहुत गरीब हैं हमको दिए हैं आप ये सामान मैं पढ़ाऊँगा बहुत अच्छे से। तो बच्चा दोस्तों बहुत अच्छे से मन लगा कर पढ़ता है उनकी मम्मी बताती हैं और सर जी भी बता रहे थे कि बेटा मन लगा उनका पढ़ रहा है। तो दोस्तों मम्मी की स्थिति देखकर बच्चे लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं पढ़ाई को लेकर और उनकी बेटी ये है कक्षा चार पढ़ती है मम्मी का हेल्प भी करती है और पढ़ती भी है। तो बेटा आपके पास का नाइबा है तो ये पास बड़ी परेशानी थी पहना कापी उसकी दे दी है अब अखाना ही है कापी लेने के अब पैसा बड़ी परेशानी का है। तो दोस्तों कापी बस्ता ऐसे मैंने लाई हुई है और किताब ले कर रही हैं किताब में दोस्तों ज़्यादा पैसा लगता है और बता रहे हैं कम से कम 900 रुपये लगेगा। तो चलिए हम पता करके इनके बच्चे के लिए लेंगे कक्षा चार की सारी किताबें। मन लगा के बेटा पढ़ने अब दोस्तों हम चलेंगे दूसरे बच्चे के पास और इनका पूरा ले लेंगे किताबें ठीक बा लेंगे। दोस्तों जिस बच्चे के पास गए थे उस बच्चे के पास चलते हैं हम इनके पास आ गए दोस्तों दोबारा बेटी लोग दोस्तों आश्रम पर नहीं आई हुई है बच्चे लोग तो लाए हैं मैंने आप लोगों से मिलवाते हैं देखा तो दूजे ने बस्ता लिया है कहीं पड़ा था बताओ जा काका नाम बा बताओ जा कैमरा में चार में पढ़े का नाम बामार जी बाहर का बेटा कुमार जी कहीं पढ़ा था मेरा बस्ता रहा अब किताब उताब रही है पेंसिल सब कुछ पेंसिल आए। तो दोस्तों इन्हीं बच्चों के लिए मैं लाई हूँ और ये देखिए यही सब बस्ता है और एक कापी किताब है और इनके लिए का बोलते किताब लाए ना किताब गंगा में लाई हूँ दोस्तों ये बच्चा अच्छे से पढ़ रहा है और अच्छे से मेरे बहुत कुछ रहता है दोस्तों सीखने के लिए। तो ये देखिए ज्योमेट्री और बाटल और टिफिन दोस्तों लाई हूँ कि मम्मी खाना बना कर देंगी। तो खाना वाला दोस्तों भी काफ़ी मैं ली हूँ और ये देखिए इंग्लिश लिखने के लिए और हिंदी लिखने के लिए छोटे छोटे बच्चे के लिए दोस्तों पूरा मिक्स में लाई हूँ तीनों तीनों इसी हिसाब से मैं दोनों बच्चों को दे देती हूँ।
तो यही दोस्तों उनका मड़ई है, इसमें खाना वाना बनता है, इन्होंने लकड़ी रखी हुई है। ये घर दोस्तों आप लोगों ने बनवाया है, तो इनका दोस्तों काफ़ी आप लोगों ने मदद किया है। इनके बच्चे लोग को मैं दोस्तों ध्यान दे रही हूँ, जैसे पढ़ लें, पढ़ना दोस्तों बहुत ज़रूरी है। और कुछ किताबें दोस्तों घट रही हैं, वही गाँव घर से मंगाए हुए हैं, अभी आ जाएगा, उसके बाद बच्चे लोग को देंगे बात कर। तो माँ सलीमी दीदी आपको मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा दोस्तों में मदद कर रहे हैं बच्चों लोग के पढ़ने के लिए। मैं ढेर सारा दोस्तों बच्चों लोग के लिए खरीदी हूँ बाहर निकली, तो आप लोग हमारे चैनल सब्सक्राइब करिए अगर देखिएगा, तो आप सब धन्यवाद बोल दें। धन्यवाद मतलब नहीं भैया साथ हैं। तो दोस्तों दीदी कह रहे हैं कि आप लोगों ने हमारे बच्चों के लिए बहुत मदद किया हुआ है, हमारे परिवार नहीं है तो मुझे बहुत मतलब सहयोग मिला है आप लोग के जरिए से, वही बता रही हैं। दोस्तों ये देखिए बच्चे लोग कपड़ा पहनकर तैयार हो गए हैं, और ये सब काफ़ी किताब है, बच्चे लोग भर लेंगे, तीनों तीनों विषय का दोस्तों है। देखिए बेटा कौन बचता है, अरु नहीं ले लें, सब अलग अलग भर लो, भर लो, चलिए दूसरे बच्चों के पास है। मन लगा पढ़ा जाए, आओ पता करा देखिए पढ़ा था कि नहीं। सब नाम हम लिख लेते हैं, अपन हमारा क्लास हो रहा है। तो चल रही थी, नमस्ते। तो चलिए बच्चे दूसरे बच्चे के पास हम चल रहे हैं, हो गया है। और दीदी के पास दोस्तों हम आए हुए हैं, और इनके दोस्तों इनके भी पति नहीं है, काफ़ी दोस्तों इस समय जान लो इसी बच्चे के दोस्तों मैं दे रही हूँ, जिसके पापा नहीं है, मम्मी दोस्तों बच्चे लोग अच्छे से नहीं पढ़ा पाती हैं, तब की भी दोस्तों बनी मजदूरी पे कैसे भी पढ़ा रही हैं, तो उन्हें निकले तो दोस्तों मैं दे रही हूँ। तो इनके बच्चे दोस्तों मैंने भेज दिया ड्रेस कैसे नाप कर लें, तो चलिए वहीं पे हम बच्चे लोग के साथ उनके मिलवाएंगे। दोस्तों आप लोगों से कुछ कहेंगी? हाँ क्या कही, ड्रेस लड़कन का नहीं भाई, स्कूल में गए रहे मास्टर निकाल दें ड्रेस एक मारा, अब क्या करी, जो पैसा कौड़ी नहीं पे बहुत मजबूरी सुनावा, नहीं माने कहे नहीं भाई जा ड्रेस लै आवा, कहाँ से लई आई ड्रेस, लड़कन को निकाल देने स्कूल में, कहीं ना जा ड्रेस लै आवा, तब हम स्कूल में रखा भाई पढ़ाई कर नहीं चल। 15 अगस्त के पहले सारे बच्चे लोग टीचर लोग बोलते हैं ड्रेस लेने के लिए, तो वही कह रहे थे कि कढ़ाई लगाते हैं दोस्तों सभी, तभी सब लोग लेते हैं, तो सब जो क्यों मालूम नहीं रहता दोस्तों किसके पास है किसके पास नहीं है, किस किस घर से बच्चे लोग जा रहे हैं इतना उनको पता। तो वही इनकी मम्मी बता रही हैं दोस्तों कि सर जी निकाल दिए थे, तो दोस्तों ऐसे ऐसे परिवार को मैं मदद कर रही हूँ, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मदद करिएगा ऊषा एक आशा चैनल को। तो चलिए इनके बच्चे लोग को हम भेज दिए हैं बाइक से ड्रेस लेने, वहीं आप लोगों से मिलवाएंगे। तो दोस्तों खाना वाना बनाती हैं, तो कक्षा 4 में दोस्तों इनके बच्चे जो किताब में 1000 रुपये दिया हुआ था, तो ये देखिए सारी किताबें आ गई हैं, और ड्रेस दोस्तों थोड़ा सा छोटा था, वही हमने भेजा हुआ है बदलने के लिए। तो दोस्तों इस समय थोड़ा सा समय लगता है, किस बच्चे को क्या चाहिए किस बच्चे को क्या चाहिए, उसमें ड्रेस में छोटा बड़ा होता रहता है। देखिए काफ़ी शाम हो गया है, तो हम चलेंगे, दो बच्चे को लेकर चल रहे हैं वहाँ पर भेजे हुए हैं ड्रेस लेने। तो यही बच्चे दोस्तों ड्रेस भेजी थी मैं लेने के लिए, तो दोनों बच्चे को ड्रेस लेनी है, पहन लेंगे, इसके बाद कापी किताब जितना भी है सब कुछ देंगे बच्चे लोग को, घर पहुंचाएंगे। चल बेटा तैयार हो जाओ, मैं आपको ड्रेस पहले थोड़ा नाप के दिखाई दें। तो देखिए बच्चे लोग दोस्तों ड्रेस पहन लिए हैं, बहुत ही बढ़िया दोस्तों, थोड़ा थोड़ा बड़ा लिया हुआ है, इनकी मम्मी बढ़ा दी, थोड़ा सा बड़ा लेना जिसे 2-3 साल बच्चे लोग आराम से पहन सके। इनका देखिए छोट हो गया था, तो ये बदल मैंने बड़ा ले लिया है, बगल में ही थी। चलिए इन लोगों को देखिए नंदनी। तो हिंदी अंग्रेजी और गणित दोस्तों तीनों का हमने काफी दे दिया है बच्चों लोग को, ज्योमेट्री बॉक्स और ये सब कलम सारा सामान है दोस्तों, बस किताब नहीं है। किताब बच्चे लोग दोस्तों गांव में ऐसा होता है ना, जो बच्चे मतलब कक्षा 4 में जो रहते हैं तो 5 में जाते हैं दोस्तों, वही गांव गांव में सब लोग अल्टी पल्टी करके पढ़ते हैं, तीन लोगों के पास नहीं बनता, मैं मांग के लाई हूँ गांव में, तो दोनों लोग के पास है, मतलब भर ले जा वहाँ जाएगी ना, ले ले जा दोनों दोस्तों थोड़ा थोड़ा करके भर देते हैं थोड़ा चल। तो इनके पास दोस्तों इनका एक बड़ा भाई है, और उनके दोस्तों उनके रिश्तेदारी लोग पढ़ा रहे हैं उनके पास है, और इनकी बेटी लोग को दोस्तों उनकी माँ करके भी करके पढ़ाती है, तो आप लोगों ने मदद किया है तो थोड़ा उनका हेल्प हो गया। आज दोस्तों काफ़ी बच्चों लोग के लिए हुमा
सलीमी दोस्तों काफ़ी मदद की है, बच्चे लोग को, उनके परिवार लोग सब खुश हैं, बच्चे लोग खुश हैं। तो काफ़ी दोस्तों समय लग गया, देखिए काफ़ी रात हो गया, तो चलिए बच्चों लोग को पहुँचा दे रहे हैं। और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ऐसे ही दोस्तों उषा एक आशा चैनल को मदद करते रहिएगा, जितना मुझसे हो रहा है दोस्तों मैं कर रही हूँ। तो चलिए दोस्तों इन लोग को हम पहुँचा देंगे।